दोस्तों ये सात दिव्य चीजें जिस घर में भी होती हैं, उस स्थान पर लड्डू गोपाल का सदैव वास रहता है। अगर इन चीजों को हम अपने घर में स्थापित करें, अपने जीवन में लेकर आए, तो हमारी लाइफ में भी बहुत सारे चेंज आ सकते हैं, क्योंकि ये चीजें जहाँ पर भी होती हैं, उस स्थान को लड्डू गोपाल कभी नहीं छोड़ते। आपके पास इनमें से कौन कौन सी चीज है जरूर कमेंट करें। इनमें से पहली है बांसुरी, दूसरी है मोरपंख, तीसरी है बैजंती माला, चौथी है गाय, पांचवी है माखन, छठी है मिश्री और सातवीं है राधा नाम। भगवान श्री कृष्ण को ये सारी चीजें बहुत प्रिय थी, इन्हें वो हमेशा अपने पास रखते थे। इसका मतलब इन चीजों में कुछ तो खास होगा, कोई ना कोई तो ऐसी बात होगी जो वो एक पल के लिए भी इन्हें नहीं छोड़ते थे। अगर आप कृष्ण की छवि को भी देखेंगे ना, तो आप देखेंगे मोर मुकुट उन्होंने अपने सर पर धारण किया है, बंसी उनके अधरों पर है, बैजंती माला उनके गले में है, गाय के साथ तो वो हमेशा रहते ही है, भोग माखन मिश्री का लगाते हैं और राधा नाम में तो वो स्वयं ही वास करते हैं। तो इन चीजों में खास बात क्या है, क्यों भगवान श्री कृष्ण ने मोर पंख को अपने सर पर धारण किया है? कहते हैं कि मोर पंख में वो शक्ति होती है कि वो आपके मन की, आपके तन की, आपके घर की सभी नकारात्मकता को दूर करने में सक्षम है। ये किसी भी तरह की नेगेटिविटी को अपने पास नहीं आने देता, ये मोर पंख की विशेषता होती है। इसलिए आप इस मोर पंख को अपने घर पर जरूर स्थापित करें, चाहे किसी भी रूप में, और एक छोटा सा मोर पंख आप अपने लड्डू गोपाल को भी धारण कराएं। इनमें दूसरी है बांसुरी, इसे आप अपने घर में रखें और इसे बजाना सीखें। बांसुरी की धुन आपके माइंड को पावर देती है, ये धुन दिमाग की तरंगों को खोल देती है, इससे आपके दिमाग को शक्ति मिलती है। तो आप इसे बजाना सीख सकते हैं और अपने बच्चों को भी सिखा सकते हैं। और एक छोटी बांसुरी तो हम सभी अपने लड्डू गोपाल के पास रखते ही हैं। लेकिन जो बजाने वाली बांस की बांसुरी होती है, उसे आप जन्माष्टमी पर अपने घर में स्थापित करें और प्रत्येक एकादशी पर इसका पूजन करें और इसे बजाएं, बहुत शुभ होता है। तीसरी आती है बैजंती माला। दोस्तों बैजंती माला एक फल का बीज होता है जिसमें गजब का आकर्षण होता है। जो लोग बैजंती माला को धारण करते हैं, उनके प्रति लोग खुद ब खुद आकर्षित होते हैं और कृष्ण के प्रति तो सभी आकर्षित रहते हैं, उनका तो एक नाम ही आकर्षण है। तो आप बैजंती माला अपने लड्डू गोपाल को जरूर पहनाएं, उन्हें वो बहुत प्रिय है। आप भी बैजंती माला अपने कंठ में धारण कर सकते हैं, ब्रेसलेट की तरह पहन सकते हैं, आपको इसका लाभ हर तरीके से मिलेगा। अब वो बारी आती है गाय की। तो दोस्तों गाय तो हर कोई नहीं पाल सकता, हम सब छोटे छोटे घरों में रहते हैं, लेकिन आप गौशाला को दान दे सकते हैं। गाय के दूध का भोग अपने लड्डू गोपाल को लगा सकते हैं, अपने बच्चों को पिला सकते हैं, आप गाय के घी का इस्तेमाल कर सकते हैं, गाय के गोबर के उपले से आप हवन कर सकते हैं, प्रतिदिन पहली रोटी गाय को खिला सकते हैं, इससे आपके घर में बरकत रहती है। और पांचवी और छठी है माखन मिश्री। जिस घर में भी रोजाना माखन मिश्री का भोग लगता है, उस घर में लड्डू गोपाल बहुत प्रसन्न रहते हैं। और वैसे भी जहाँ पर लड्डू गोपाल आ जाते हैं, वहाँ पर माखन की कमी तो कभी नहीं रहती, और ये हड्डियों के लिए भी बहुत अच्छा है। माखन को आप घर पर बनाएं और मिश्री धागे वाली इस्तेमाल करें। अब बारी आती है सातवीं चीज की, और वो है जुआ पर राधा नाम। अगर आपने राधा नाम को अपने जीवन का अभिन्न अंग बना लिया, तो कृष्ण तो आपके पीछे पीछे चलेंगे। रोजाना हेलो, नमस्ते, गुड मॉर्निंग की जगह सिर्फ राधे राधे, सुबह उठते ही राधे राधे, रात को सोने से पहले राधे राधे, कोई भी काम कर रहे हो सिर्फ राधे राधे। और ये जो राधा नाम है वो हर चीज पर भारी है। अगर आप इसका जाप और सुमिरन करते हैं, तो लड्डू गोपाल आपके घर में हमेशा प्रसन्न रहेंगे और ये प्रसन्नता आपको उनकी लीलाओं के रूप में दिखाई देगी।